यूवी इंटीग्रेशन कैसे करें, या दोस्तों इसको हम अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हम कब काम में लेते हैं, जिससे हमें अपना साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है या टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, उस समय हम क्या काम में लेते हैं, अपना यूवी इंटीग्रेशन काम में लेते हैं। ओके, जैसे अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, टेन इनवर्स एक्स का करके आपको इंटीग्रेशन दिखाएंगे। तो पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या रहता है। इसका फॉर्मूला यह रहता है, इसको याद करने का ट्रिक भी बता रहा हूँ। ये देखिए आपका फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकंड फंक्शन होता है। जैसे ए बी सी डी में हम बोलते हैं तो यू पहले आता है, वी बाद में आता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे जो यू है वो आपका फर्स्ट है और वी आपका सेकंड फंक्शन है। ओके, ये समझ गए। तो जो सेकंड फंक्शन है यानी वी, इसका इंटीग्रेशन फिर याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, माइनस वी का इंटीग्रेशन और इसके साथ आपका यू, इसके साथ अपने यू का डेरिवेटिव, और फिर यह जो आपका फंक्शन बना है यानी इस कोष्टक में, इस पूरे का क्या किया जाता है, आपका इंटीग्रेशन किया जाता है। ओके, ये आपका यू वी फॉर्मूला, जैसे अभी हम टेन इनवर्स एक्स का करके दिखाए। और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, अपने आइलेट फॉर्मूले को काम में लेते हैं। इसमें जो आपका पहले आता है वो यू बनता है, बाद वाला आपका वी बनता है। ठीक है, जैसे हम टेन इनवर्स की बात करें, या दोस्तों इसका हम उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास दो फंक्शन आ गए मल्टीप्लाई में और उनका इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या करेंगे, आइलेट से सेलेक्ट करेंगे यू एंड वी और उसके बाद अपना यहाँ पे यह फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद आपका आसानी से इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर तो सर हमें केवल एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो फिर यू एंड वी किसको लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ अपना वन को लेते हैं। इसको हम क्या लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे यू और वन को हम वी लेते हैं। देखिए आई का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन। यहाँ टेन क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है, यानी आई सबसे पहले, यानी इसको हम क्या लिए, यू। उसके बाद जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करें, जब एल्जेब्रिक फंक्शन की घात जीरो होती है तो आपका कितना बनता है, वन, यानी वन को यहाँ पर हमने वी लिया है। पहला फंक्शन कौन है, आई, उसके बाद आपका आ रहा है वन, यानी जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे है आपका एक है जो, वो बाद में आएगा। ठीक है, इस आइलेट के अनुसार ऐसे समझो, या ऐसे समझ लो कि इनवर्स वाले फंक्शन को यू लेना है और एक जो वन है उसको हम वी लेकर चलेंगे। ठीक है, कैसे भी समझो, समझना है। अब दोस्तों क्या करना है, जहाँ यू वी दिखाई दे रहा है उनकी जगह वैल्यू रख दो, यू की जगह टेन इनवर्स एक्स, वी की जगह कितना, वन, यू की जगह टेन इनवर्स एक्स, वी की जगह कितना, वन, और फिर इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वन का इंटीग्रेशन यहाँ लिखना चाहूँगा मैं, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, आप कहेंगे कि एक्स होता है और साथ में आपका टेन इनवर्स एक्स पड़ा ही है। अब यहाँ पे मैं आपको पूछूंगा कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बता देंगे फट से कि वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर रहता है। वन का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स आ गया, डेरिवेटिव मिल गया, यानी इसका पूरे का कोष्टक का सॉल्यूशन हमें ये मिल गया। उसके बाद इस कोष्टक का क्या करना है, देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है, ये लो सर। ठीक है, तो यहाँ एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे किसके द्वारा, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको आई वन मान लेते हैं और आई वन का जैसे हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे लेट यहाँ लिख देंगे फोर आई वन, लेट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी बाई टू आ गया। एक्स डी एक्स की जगह हम क्या रख दिए हैं, डी टी बाई टू, वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है, वन बाई टी का इंटीग्रेशन आपका लॉग मोड ऑफ टी होता है और टी को वापस हम क्या लिख देंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे,
वन बाई टू लोग मोड ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में अपना कांस्टेंट सी हम लेंगे इसके लिए, अपना अनिश्चित समाकलन के लिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपना यूवी इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश की। यह वीडियो आपको कैसा लगा है यह तो आप नीचे कमेंट कर बताएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।